मेरे कुंडलू की कटिंग का हाल बहुत बुरा हाल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति आले मध्य प्रदेश से। आप सभी का मेरी छोटी सी प्रज्ञा में स्वागत है। लीजिए हाजिर हूँ फिर से एक छोटी सी वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपने कुछ प्लांट्स के अपडेट दिखाऊंगी और हाँ, साथ ही छोटी सी हार्वेस्टिंग भी है। और हमारी कटिंग्स सक्सेस क्यों नहीं होती है उसका रीज़न भी बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से अपने कुछ प्लांट शेयर किए थे, उनको मैंने रिपोर्ट कर दिया था। तो देखते हैं उनका हाल। सबसे पहले देखिए ये खूबसूरत गेंदे, इतने सारे लगे हुए हैं। मैंने कुछ तोड़ भी लिए हैं फिर भी इतने सारे लगे हुए। गार्डन में गेंदा होना बहुत ज़रूरी है। ये तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं और साथ ही हमारी मिट्टी को रोग मुक्त करते हैं, यानी कि नीमाटोड को भगाने में बहुत मददगार होते हैं। और देखिए जी, करेले की हार्वेस्टिंग मैं कंटिन्यू करती ही रही हूँ। और पहले भी मैंने देखिए इतने तोड़ लिए, वीडियो बन नहीं पाई। मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो रहा और हुआ ही नहीं। तो गेंदे तोड़े हैं, गुलाब तोड़े हैं, और ये देसी गुलाब है और कंटिन्यू मुझे ये डेली मिल जाते हैं। पूजा के लिए मैंने इतने सारे फूल तोड़ लिए हैं। गार्डनिंग करने का एक यही फ़ायदा है कि आपको डेली फ्रेश फूल घर में ही मिल जाते हैं और सब्जियां भी घर में फ्रेश मिल जाती हैं, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक। ये छोटी वैरायटी के करेले हैं और ये अपने आप ही उग गए थे, तो इन्हें मैंने हटाया नहीं और ये कंटिन्यू मुझे फ्रूटिंग दे ही रहे हैं। तो इन्हें आज मैं निकाल ले रही हूँ। और यहाँ मेरी हल्दी तो भाई इतनी बढ़िया हुई है इस बार की क्या ही बोलूँ। मैं डेली आके चेक करती हूँ कहीं फूल नज़र आ जाए, बट फ़िलहाल अभी तक तो नहीं नज़र आ रही है। और मिर्च फिर से बहुत सारी लग गई हैं, लदी पड़ी हुई हैं। बीच बीच में मैं थोड़े बहुत तोड़ती रही हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अभी फिर से इसमें ढेर सारी मिर्चें लगी हुई हैं, तो आज मैं फिर से थोड़ी सी मिर्च उतारूँगी। घर में छोटा मोटा गार्डन होने से क्या होता है कि जब हम अपनी इन लगाई हुई सब्जियों को तोड़ते हैं ना, तो एक अलग ही प्रकार का सुकून मिलता है और अपनी ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है, बस अपनी पसंद की कुछ सब्जियां ही लगाई हैं। और यहाँ देखिए काली मिर्च, और ये मैच्योर हो चुकी है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती है और बहुत स्पाइसी होती है ये। तो तीन लगी हुई है देखिए, तो इन्हें मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। मोटी वाली मिर्च को बीज के लिए रखूँगी। ये देखो हरी मिर्च ने तो इस बार कमाल ही कर दिया है। मैंने जानबूझ के मिर्च ज़्यादा लगाई है क्योंकि हमारे यहाँ के इलाके में ना मिर्च बिल्कुल तीखी नहीं मिलती है, और ये पपीता अपने आप ही निकल पड़ा है और ये इस ग्रो बैग में ही लगा हुआ है जिसमें शिमला मिर्च लगी हुई है। इसके सीड्स मैंने मार्केट से नहीं खरीदे थे, जो घर में शिमला मिर्च आई हुई थी उसी के सीड्स डाले थे, उसी से दो प्लांट मेरे तैयार हुए हैं। आप शिमला मिर्च लगाना चाहते हैं तो घर में आई हुई शिमला मिर्च जो मैच्योर हो चुकी हो उसके ही सीड्स लगाएं। ढेर सारे सीड डालें तो कुछ ना कुछ तो जर्मिनेट हो ही जाते हैं। मैं कंटिन्यू डालती रही हूँ और उसके बाद मुझे ये दो मिर्च के पौधे मिले हैं और ये दोनों ही अच्छे से चल पड़े हैं। और जी, यहाँ है मेरे बैंगन के पौधे, इनमें फिर से फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। क्या होता है ना, एक बार जब सब्ज़ी निकल जाती है तो दूसरी बार सब्जियाँ निकलने में थोड़ा वक्त लेती हैं, पौधा रेस्ट लेता है, इसके बाद फ्रूटिंग स्टार्ट करता है। और बहुत सारे निकले हुए ये देखिए, और इनमें चींटियाँ भी बहुत सारी लगी हुई हैं। आइए अब देखते हैं मेरे बोगनवेलिया की कटिंग का अपडेट। ये सारे चल पड़े हैं। ये पेंसिल हिबिस्कस की कटिंग है और ये है डबल पेटल वाला हिबिस्कस, इसको भी मैंने कटिंग से तैयार किया था। कटिंग लेते वक्त हमेशा हेल्दी और मैच्योर कटिंग ही लें, तभी वो सक्सेस होती है। मेरे कुंदरू की कटिंग का हाल बहुत बुरा हाल है। मुझे पहले ही पता था कि ये सक्सेस नहीं होंगी, फिर भी मैंने कोशिश की थी, बट कोशिश नाकामयाब हुई है। रीज़न, इससे ना लगाने में मुझे ज़्यादा वक्त लग गया क्योंकि ये नागपुर से आया था, वहाँ से ट्रेवल किया, फिर मैं मायके में एक हफ्ते रही, फिर घर आके बीमार पड़ गई, तो इस कटिंग का सारा मॉइस्चर उड़ गया था और इसलिए ही सक्सेस नहीं हुआ। कटिंग सक्सेस ना होने का दूसरा कारण है कि उसका मॉइस्चर उड़ जाना। यदि आप मेरी तरह कहीं दूर से कोई कटिंग लेके आ रहे हैं तो उसे अच्छे से टिश्यू पेपर वगैरह में लपेट के रखें।
यह है मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा की कटिंग मैंने 3 लगाई थी। देखिए ये जो टिप वाला था ना, वो भी सक्सेस नहीं हुआ, गल गया है। ये देखिए बुरी तरह गल गया, सक्सेस नहीं हुआ है। कटिंग सक्सेस ना होने का एक कारण ये भी है कि इनमें फंगस का लगना, इसमें फंगस लग गई थी क्योंकि ये ऊपरी टिप थी। इसलिए अपने मिक्सचर सॉइल में फंजीसाइड को ज़रूर मिलाएं, इससे कटिंग सक्सेस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाएं, जैसे मैंने 3 कटिंग लगाई थी और एक तो चल पड़ी है। तो जब भी किसी प्लांट की कटिंग लगाएं तो ढेर सारी लगाएं और हेल्दी कटिंग ही लें। और मैं झरबेरा भी लेके आई थी तो ये भी बहुत अच्छे से चल पड़े हैं। 2 बड़े प्लांट थे, इन्हें मैंने एक साथ गमले में लगा दिया, बाद में इन्हें मैं सेपरेट कर दूँगी। और जी ये है मेरा पिंक वाला सिंगोनियम, इसकी भी हालत कुछ सही नहीं है, बट ये ख़राब भी नहीं हुआ है, तो आगे चलकर ये सेटल हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। साथ ही मैंने यहाँ नीचे लगा दी थी पर्पल हार्ट, ये कटिंग भी चल पड़ी है बट अभी नई शूट तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, आई होप ये भी चल पड़ेगी। तो जी दोस्तों यही थे मेरे प्लांट्स के अपडेट। कुछ प्लांट्स बहुत अच्छे से चल पड़े हैं और मेरी कुछ कटिंग चली और कुछ नहीं चली, ना चलने का रीज़न भी मैंने आप लोगों को बताया। तो जी चलिए अब हम अपनी मिर्च को हार्वेस्ट कर लेते हैं। और मिर्च देखिए ये बहुत तीखी वाली मिर्च है दोस्तों, इनको हार्वेस्ट करने का राइट टाइम है, सही समय पर हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना पौधा अपनी सारी एनर्जी इन्हीं फ्रूट्स में लगाएगा। तो सही टाइम में हार्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी से हम सारी मिर्च उतार लेते हैं और देखते हैं कि कितनी मिर्च मिली है। दोस्तों मेरे साथ वीडियो में बने रहें क्योंकि मैं आगे आप लोगों को अपने 2 नन्हे मेहमानों से भी मिलवाऊंगी। तो चलिए जल्दी से हम अपनी सारी मिर्च की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और मिलते हैं अपने नन्हे मेहमानों से। ये ऑरेंज कलर का फूल, इसका नाम मुझे नहीं पता है, यदि आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और चलिए मिलते हैं अपने इस नए मेहमान से। ये है अंजीर का पौधा, इसमें अभी फिर से फ्रूट्स लगे हैं। ये देखिए गर्मियों में भी इसमें 2 फ्रूट लगे थे लेकिन तेज़ गर्मी की वजह से वो गिर गए, नहीं सक्सेस हुए, बड़े नहीं हुए, और अभी की बार भी 2 निकले हैं। तो मुझे लग रहा है इस बार मुझे इसकी फ्रूटिंग मिल जाएगी। और मैंने लगाया हुआ है इसे 9 इंच के गमले में। छोटे से पौधे में फ्रूटिंग का राज है, ये ग्राफ्टेड पौधा है। तो यदि आप लोग भी कभी भी कोई भी फ्रूटिंग प्लांट लेके आएँ तो ग्राफ्टेड लेके आएँ। ये है चीकू का, जिसे सपोटा भी कहते हैं, उसका प्लांट। इसमें भी ढेर सारी गर्मियों में ना छोटे छोटे से फल लगे थे लेकिन सारे के सारे गिर गए, ये भी ग्राफ्टेड पौधा है। तो जब भी आप लोग खरीदें ना तो ग्राफ्टेड पौधा ही खरीदें, स्पेशली फ्रूटिंग वाला। और यहाँ मेरा अडेनियम, और इस बार इसके फूलों का साइज़ देखिए, मज़ा ही आ गया मुझे, क्योंकि इसका जो मैंने मिक्सचर सॉइल बनाया था ना, इसमें बहुत अच्छी से मैंने वर्मी कंपोस्ट और बोन मील दिया था। और जो दूसरा नया मेहमान बताने वाली हूँ ना, तो वो ये है जी, ये है ब्रह्म कमल। लास्ट ईयर इसमें 3 फूल निकले थे और इस बार सिर्फ 1 ही बर्ड निकली हुई है। और ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल एक लकी प्लांट है और कहा जाता है इनके फूलों का खिलना एक शुभ संकेत है। और ये जब खिल जाते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं, और ये ना रात को ही खिलते हैं। तो चलिए देखते हैं मुझे क्या क्या मिला है आज। पूजा के लिए तो मुझे डेली फूल मिल ही जाते हैं, मुझे कभी मार्केट से ख़रीदना नहीं पड़ता है। ये देखिए बिल्कुल कितने खूबसूरत रंग बिरंगे फूल। तो ये मेरे पूजा के लिए हैं। और साथ है मेरी मिर्चें, मिर्च कम से कम 100-150 ग्राम निकल गई होंगी, तो आराम से 2-3 दिन की ज़रूरत मेरी पूरी हो जाएगी। तो गार्डनिंग करने का यही फ़ायदा होता है कि घर में ही हमें सारा कुछ मिल जाता है। ये देखिए बहुत तीखी मिर्च है और हम लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं, और इसलिए मैंने मिर्च इतनी सारी लगाई। तो ये हैं पूजा के फूल, यहाँ पे है मिर्च, और ये हैं करेले। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फैमिली को ज़रूर ज्वाइन करें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद एंड बाय बाय।